Hello guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and I am back with my new lecture. Today we will discuss the vocabulary starting with alphabet A. Okay, so let's start our today's lecture without wasting our time. So as you can see on your screen that our first word is affray. Okay, so what is the meaning of affray? Okay. तो एफ्रे का मीनिंग होता है यहाँ पर जो नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, एक तरीके से पब्लिक जो गुस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एफ्रे बोलते हैं। ठीक है, सो पब्लिक ब्रावल, पब्लिक गुस्सा जो होता है उसको हम यहाँ पर एफ्रे कहेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं गाइज। एग्जाम्पल है द टाइमली एक्शन ऑफ पुलिस एवर्टेड सीरियस मिसहैप ऑफ एफ्रे बिटवीन द कम्युनिटीज। तो एफ्रे एक तरीके से पब्लिक गुस्सा या फिर किसी कम्युनिटीज के बीच में जो नाराजगी होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एफ्रे कहते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम्स हो सकते हैं। सो मैंने आज यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम्स नहीं लगाए हैं बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू विल फाइंड आउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द ईच एंड एवरी वर्ड। ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडुलेशन। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ एडुलेशन? The meaning of adulation is praise, okay? To praise someone या किसी को flatter करना, flatter someone, praise या किसी की तारीफ करना, इन सबको हम क्या कहते हैं, adulation कहते हैं। ठीक है, so adulation का हम लोग spelling भी याद रखेंगे, adulation, okay? So adulation is the meaning of praise and flatter is the meaning of adulation. And what is the example? Example is you shouldn't have false adulation of the children. तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार पीपल्स क्या करते हैं, बहुत फॉल्स एडुलेशन करते हैं, चिल्ड्रंस को प्रेज करते हैं बिना बात के। सो हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। सो और वॉट इज द मीनिंग ऑफ एडुलेशन? एडुलेशन का मीनिंग है प्रेज करना, फ्लैटर करना, एक तरीके से मस्का लगाना। ठीक है, तो हम कहते हैं एडुलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर एब्रेसिव। अब एब्रेसिव होना भी क्या होता है, आपका एक तरीके से गुस्सा होना होता है, ऑफेंड करना किसी को या नाराजगी दिखाना, उसको हम क्या कहते हैं, एब्रेसिव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है नोबडी लाइक्स हर फॉर हर एब्रेसिव बिहेवियर। अब एब्रेसिव बिहेवियर वही हो गया आपका ऑफेंसिव, रूड, गंदा बिहेवियर या नाराज होना, ये सब क्या होता है आपका, एब्रेसिव में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा एम्युलेट। एम्युलेट का मीनिंग क्या होता है गाइस? एम्युलेट होता है जो हम लोग ताबीज वगैरह बांधते हैं बच्चों को, उसको हम क्या कहते हैं, एम्युलेट कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्युलेट? एम्युलेट का मीनिंग है हमारा चार्म अगेंस्ट द एविल, मतलब चार्म या जो हमारा ताबीज वगैरह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एम्युलेट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है द सेंट गेव मी एन एम्युलेट टू कीप अवे एविल स्पिरिट। बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप लोग खुद भी इनके एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस बना सकते हैं एंड बहुत इजीली मीनिंग्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा एमनेस्टी। अब एमनेस्टी क्या होता है हमारा, एक जो जनरल पार्डन होती है, जो पब्लिक पार्डन होती है, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है अगर वो कोई क्राइम कर देता है या किसी और चीज के लिए, अगर जब उन सबको एक साथ माफी दे दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरल पार्डन कहते हैं, पब्लिक पार्डन या जनरल पार्डन कहते हैं। पार्डन का मीनिंग भी माफी देना ही होता है, तो जनरल पार्डन इज कॉल्ड एमनेस्टी। ओके, व्हाट इज द एग्जांपल हियर? आवर एग्जांपल इज ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ किंग प्रिजनर्स गॉट एमनेस्टी। सो जो यहाँ पर देखिए आपके प्रिजनर्स हैं अगर, तो प्रिजनर्स ने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ क्राइम किया होगा एंड प्रिजनर्स गॉट एमनेस्टी ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे किंग ऑफ बर्थडे ऑफ द किंग। ओके, तो बहुत ईजी था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा एसीमे। एसीमे का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर हमारा, मीनिंग होगा टॉप, टॉप पर होना, रेकल या जेनिथ, इनको हम क्या कहेंगे आपका, एसीमे कहेंगे। एग्जांपल है टू अचीव एसीमे यू शुड वर्क हार्ड इन योर फील्ड। तो आपको अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करना होगा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया टॉप या रेकल। जेनिथ भी इसका मीनिंग होता है, तो बहुत सारे इसके जितने भी मीनिंग्स होंगे सिनोनिम्स इसके बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्डस। आर्डस का मीनिंग क्या होता है हमारा, जो बहुत इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं या बहुत मेहनती होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ड, या फिर हार्ड वर्क को भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर्डस बोलते हैं। इट मींस आर्डस का मीनिंग क्या हो जाएगा, मेहनत वाला काम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका,
हार्ड वर्क या स्ट्रेनियस या आर्डियस हो जाएगा. ओके नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, आर्डियस वर्क मस्ट नीडेड व्हेन एनीवन वांट्स टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड. अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत आर्डियस वर्क करना पड़ेगा. आर्डियस मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, स्ट्रेनियस या फिर इंडस्ट्रियल वर्क आपको करना होगा. ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट है एमेल्यूरेट करना. एमेल्यूरेट का मीनिंग क्या होता है आपका, इम्प्रूवमेंट एक तरीके से. ठीक है, तो किसी चीज को इम्प्रूव करना ही क्या होता है आपका, या सुधार या करेक्शन या रेक्टिफाई, ये सब क्या होंगे इसके मीनिंग्स होंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एमेल्यूरेट. ओके एग्जांपल है यू नीड टू एमेल्यूरेट योर प्रोजेक्ट इफ यू वांट दिस सक्सेसफुल. ओके सो आपको अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये सक्सेसफुल हो जाए. ओके सो एमेल्यूरेट का मीनिंग क्या हो गया हमारा, इम्प्रूव करना. ठीक है, इम्प्रूव, रेक्टिफाई. ओके यहाँ पर आप लोग और भी इसके सिनोनिम्स सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एरिग्न. एरिग्न का मीनिंग क्या होता है, एरिग्न मीन्स होता है ब्लेम या फिर किसी को चार्ज कर देना या कलंक लगाना, किस तरीके से बोल सकते हैं, किसी को ब्लेम करना या उसको किसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरिग्न, कलंक या धब्बा कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है ही एरिग्न मी फॉर द थेफ्ट ऑफ गोल्ड ज्वेल. ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, आपको ये मीनिंग इजिली समझ में आ सकता है और इजिली आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, और जब भी आप किसी मीनिंग्स को याद करें तो उनके साथ में इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जरूर याद रखें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एस्ट्यूट. एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है हमारा, एस्ट्यूट मतलब होता है एक बहुत स्किल्ड पर्सन या चालाक या बहुत समझदार, जिसको हम कहेंगे मतलब एक स्किलफुल पर्सन को हम क्या कहेंगे, एस्ट्यूट पर्सन कहेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका हैविंग एन एस्ट्यूट पर्सनैलिटी ही गॉट जॉब वेरी सून एज एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो एस्ट्यूट मतलब क्या होता है, एक स्किल्ड पर्सन या स्किल्ड पर्सनैलिटी को हम एस्ट्यूट कहते हैं. चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे अबैट करना. अबैट मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, मिटिगेट करना, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. सो अबैट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर हमारा कम करना. ओके एग्जाम्पल है अ पॉइजनस स्केस हैड बिटन हिम एंड बट एंटीडोट अबैटेड हिज पेन. तो एंटीडोट ने क्या किया, उसके पेन को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मिटिगेट कर दिया. ओके चलिए समझ में आ गया. ये एग्जाम्पल, ये वोकैबुलरी जो है, ये सारे अल्फाबेट मैंने इसे स्टार्ट होने वाली वोकैबुलरी आज ली है. एंड ये वोकैबुलरी अगर आपको एक बार भी समझ में नहीं आती है तो वीडियो को डबल से देखिए और डबल से आपको मीनिंग्स जो है इसके समझ में आ जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एले. एले का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना, काम करना, पैसिफाई करना. ठीक है, मतलब एक तरीके से किसी चीज को शांत कराना, उसको काम करना, वो सब क्या कहलाता है हमारा, पैसिफाई या एले कहलाता है. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एले, पैसिफाई, सूथे, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके. एग्जाम्पल है श्रेया वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन बट डॉक्टर केम एंड शी फेल्ट एले. ओके समझ में आ गया मीनिंग आपको, बहुत ईजी था. चलिए नेक्स्ट है एलेक्रिटी. एलेक्रिटी का मीनिंग क्या होता है हमारा, एक तरीके से स्विफ्टनेस आ जाना या स्पीड, उसको हम क्या बोलते हैं, एलेक्रिटी बोलते हैं. किसी चीज में अगर बहुत स्मूथनेस आ जाती है, स्विफ्टनेस आ जाती है या बहुत स्पीड में अगर वो चल रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलेक्रिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें वहां पर कोई भी हर्डल या ऑब्स्टिकल्स उसको रोक नहीं पाते हैं. तो एलेक्रिटी इट मीन्स की स्मूथनेस और स्विफ्टनेस. ओके चलिए एग्जाम्पल है न्यूली बॉट कार runs with alacrity on road. So, जो आपकी newly bought cars होती है वो run road पर क्या करती है, बहुत smoothly run करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, alacrity बोलते हैं. ठीक है, चलिए next है हमारा affront. affront का meaning क्या होता है आपका, किसी को provoke करना, ठीक है, instigate करना, excite करना, ये सब क्या हो जाएंगे आपके affront के synonyms हो जाएंगे. example है हमारा we should not affront anyone in front of the people, it can be cause of the problem. तो बहुत सिंपल है एफ्रंट. एफ्रंट का मतलब होता है कि अब जैसे इसका अगर हम ट्रिक याद रखना चाहें तो एफ्रंट क्या होगा, आप किसी के सामने जाकर आपको किसी को अगर गुस्सा दिलाओ तो आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो. तो प्रोवोक करना मतलब कि एफ्रंट करना, इंस्टिगेट करना, एक्साइट करना, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. ओके समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट है अमास. अमास का मीनिंग क्या होता है आपका, गैदर, एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना. ठीक है, इन सबको हम क्या कहेंगे आपका, अमास कहेंगे. इसके एग्जाम्पल है
वी शुड अमर्स द पीपल्स बिफोर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनी पब्लिक मीटिंग. सो आप अपने अकॉर्डिंग और भी कोई एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हो अगर आपको इस गई ये वर्ड्स याद नहीं होते. बट अकॉर्डिंग टू मी आप किसी भी ट्रिक से इन वर्ड्स को याद मत रखिए, बट आप उनको यूज करिए ज्यादा से ज्यादा अपनी डेली लाइफ में, तो आपको ये इजिली वर्ड्स याद हो जाएंगे. बिकॉज कोई भी ट्रिक जो है वो आपको कभी भी इंग्लिश या कोई भी वोकैबुलरी लर्न नहीं करा सकती है. वोकैबुलरी लर्न करने का एक ही आपका सिंपल वे होता है कि आप उसको वोकैबुलरी को ज्यादा से ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करिए. सो आपको इजिली उस वोकैबुलरी को याद कर पाएंगे और उससे फ्रेंडली भी हो पाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्रीमोनी. अब एक्रीमोनी क्या होता है हमारा, जैसे कि हमको वर्ड से थोड़ा सा क्या मिल रहा है, एक इशारा भी मिल रहा है हमको. क्या बोल सकते हैं एक्रीमोनी मतलब कि क्या होता है, बिटरनेस, एक तरीके से जो हार्शनेस होती है, जो बिटरनेस होती है, जो कड़वाहट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्रीमोनी कहते हैं. ठीक है, इसका मीनिंग हो गया हार्शनेस, बिटरनेस, ये हो जाएगा इसका मीनिंग. ओके, एंड इसका एग्जाम्पल है आपका, एक्रीमोनी ऑफ योर टंग कैन कॉज ऑफ रुइंड रिलेशनशिप. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जुबान की जो कड़वाहट जो है, ठीक है, मतलब अगर आप किसी को गंदा बोलते हो या रूड बिहेव करते हो, तो वो क्या हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है. तो ये हमारे यहाँ पर सिंपल हो गया, सिंपल है, समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट है हमारा एड्रॉइट. अभी हम लोगों ने एस्ट्यूट पढ़ा था ऊपर, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड पर्सन होता है. तो एड्रॉइट जो है वो भी इसका एक सिनोनिम है ही है. सिनोनिम का मीनिंग भी क्या होता है, स्किलफुल पर्सन होता है, जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एड्रॉइट कहते हैं. सो हम इनको यहाँ पर एज ए सिनोनिम भी दे सकते हैं, इसका एक सिनोनिम एस्ट्यूट भी हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल है एन एड्रॉइट कैंडिडेट नीडेड फॉर द टेक्निकल जॉब. तो एड्रॉइट कैंडिडेट जो होते हैं वो नीडेड होते हैं सभी, नॉट ओनली फॉर द टेक्निकल जॉब बट इन एवरी जॉब एड्रॉइट कैंडिडेट आर नीडेड. ओके, चलिए समझ में आ गया, एक्सपर्ट, स्किलफुल, एस्ट्यूट, और इसका एक और सिनोनिम होता है श्रीउड, SHREWED. ठीक है, श्रीउड, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स कहते हैं. ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकॉर्ड. जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने कई बार सुना होगा अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, सो अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है आपका, कोई अग्रीमेंट बनवा लेना, क्या होता है आपका, अकॉर्ड होता है. ठीक है, अकॉर्ड का मीनिंग क्या हो गया, अग्रीमेंट. इसका एग्जाम्पल है एन अकॉर्ड हैज बीन साइंड बिटवीन द टू पार्टीज फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो अकॉर्ड एक साइन हो चुका है बिटवीन द टू पार्टीज फॉर दिस प्रोजेक्ट. समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट है हमारा एडजंक्ट कर देना. एडजंक्ट मतलब कि एडिशन, मतलब साथ में जुड़ा होना, या कोई कॉम्प्लीमेंट, मतलब साथ में अगर कोई चीज अटैच है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच है, तो एडजंक्ट भी बोल सकते हैं, एडिशन या फिर कॉम्प्लीमेंट इसको कह सकते हैं. ठीक है, एन एडजंक्ट इज नीडेड टू इम्प्रूव पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आउटपुट. ठीक है, सिंपल है. वोकैबुलरी याद रखिए और इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी याद रखिए. नेक्स्ट है हमारा एडमेंट. एडमेंट का मीनिंग क्या होता है, एक जिद्दी पर्सन. ठीक है, जिद्दी पर्सन, स्टबर्न, उनको हम क्या कहेंगे, एडमेंट कहते हैं. जो अपने बात पर अड़े रहते हैं, अड़िए लोगों को क्या कहते हैं, स्टबर्न या फिर एडमेंट कहते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बींग एन एडमेंट चाइल्ड नो वन लाइक्स हिम टू प्ले. वो बहुत ही जिद्दी बच्चा है, इसलिए कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता है. तो ये क्या हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल हो गया, एंड स्टबर्न क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया. ठीक है, याद रखेंगे. चलिए तो यहाँ पर हमारे 20 वर्ड्स जो हैं स्टार्टेड विद द अल्फाबेट ए, ये हम लोग यहाँ पर फिनिश हो गए हैं. एंड ये हमारे का क्या है, मैच द कॉलम है. आप मैच द कॉलम देखिए, और यहाँ से हम लोगों ने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है, तो आप ये मैच द कॉलम सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो मैच द कॉलम क्या है आपका भाई, अमास. अमास हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वर्ड. अमास का मीनिंग क्या होता है भाई, एक तरीके से पब्लिक गैदर जो होता है, इकट्ठा होना, क्या कहलाता है हमारा, अमास कहलाता है. तो अमास का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा लास्ट में वर्ड दिया गया है, पब्लिक गैदर. ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर वन के लिए. एड्रॉइट, एड्रॉइट का मीनिंग मैंने अभी बताया था आपको, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एड्रॉइट कहते हैं. सो स्किल्ड कहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा. ठीक है, नंबर टू, एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या, मीनिंग भी क्या होता है, एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है आपका गैदर करना या फिर इकट्ठा करना, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अकॉर्ड. अकॉर्ड का मीनिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एग्रीमेंट पढ़ा था. सो ये हो जाएगा नंबर फोर्थ के लिए.
एसएमए का मीनिंग क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टॉप या फिर पिनेकल पढ़ा था, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एफरे, एफरे का मीनिंग क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक ब्रॉल, गुस्सा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफरे बोलते हैं, ये हो जाएगा नंबर सिक्स, ठीक है। एब्रेसिव, एब्रेसिव का मीनिंग भी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक तरीके से गुस्सा पढ़ा था, ये हो जाएगा आपका एब्रेसिव का नंबर सेवन, ठीक है। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्किल्ड पर्सन या फिर चालाक पर्सन, तो एस्ट्यूट का मीनिंग उसके हम लोगों के सामने ही दिया हुआ है, ये हो जाएगा एस्ट्यूट मतलब कि श्रूट पर्सन, ये हो गया नंबर एट के लिए, किसके लिए हो गया नंबर एट के लिए। एडमेंट, एडमेंट का मीनिंग क्या पढ़ा था अभी हम लोगों ने, स्टबर्न, ये हो जाएगा नंबर नाइन। एंड एडजंक्ट किसके लिए हो जाएगा हमारा, नंबर 10, एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे मैच द कॉलम हो गए। अब आप लोगों को अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो, जो वर्ड्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उनको दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को डबल से देखिए, एंड आप उनको वीडियो को वोकैबुलरी को लर्न कीजिए। ओके गाइस, सो दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे, एंड दिस इज माय चैनल इंग्लिश क्रैकर, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मोना, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गाइस टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन द वीडियो अपलोडेड। एंड गाइज, अगर आप ये वीडियोस डेली वोकैब वीडियोस चाहते हैं, डेली आप इडियम्स एंड फ्रेजेस चाहते हैं, एंड लिटरेचर की वीडियो भी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, अदरवाइज आपके पास तक वीडियो नहीं पहुंचेगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल कैच यू टुमारो विद अनदर वीडियो लेक्चर गाइज। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।